हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक सिविक्स चैप्टर पावर शेयरिंग। सिविक्स चैप्टर पावर शेयरिंग स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग, पावर यानी शक्ति, सत्ता, एनर्जी, शेयरिंग डिवाइडिंग ऑल ऑफ यानी हिस्सेदारी, यानी सत्ता की साझेदारी। तो हियर स्टूडेंट्स, यानी पावर शेयरिंग इज अमंग यानी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अमंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एंड स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो यानी पावर शेयरिंग इज कैन बी बिकेम अ मेजर फैक्टर फॉर द डिस्टिंगेशन ऑफ कंट्री, द डिस्टिंगेशन ऑफ कंट्री इफ पीपल बिलोंगिंग डिफरेंट एथिक्स, रिलीजन्स, कल्चर्स, कास्ट एक्सेट्रा आर नॉट गिवन प्रॉपर शेयर इन रनिंग द कंट्री। यानी कंट्री में ये एक मेजर फैक्टर हो जाता है कि अगर कंट्री में कोई एथिक्स हो, यानी एथनिक ग्रुप्स हो, डिफरेंट रिलीजन्स हो, डिफरेंट कास्ट के पर्सन हो, तो यहाँ पर ये पावर शेयरिंग जो कंट्री में रनिंग होती है वो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो अब पावर शेयरिंग देखिए स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग क्या होता है कि पावर द कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग परमानेंट शेयर ऑफ पावर, यानी द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नेंस और रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड रेस्पेक्ट द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स, यानी इंटरेस्टिंग डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स, यानी इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द, यानी किसके द्वारा शेयर होता है, गवर्नमेंट के द्वारा परमानेंट, यानी परमानेंट शेयर ऑफ पावर द गवर्नेंस और डिफरेंट या रेस्पेक्टिंग फीलिंग्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, पावर शेयरिंग यानी बीच में यानी डिवाइडेड द पावर, यानी डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट ग्रुप्स शुड बी डिवाइड, यानी पावर शेयरिंग। तो हियर स्टूडेंट्स पावर शेयरिंग यानी फर्स्ट विशेष बेल्जियम, यानी देर आर टू कंट्रीज इन द चैप्टर बेल्जियम एंड श्रीलंका, देयर पावर शेयरिंग डिवाइडेड डिफरेंट टाइप्स। फर्स्टली वी स्टडी हियर ओनली कंपोजिशन यानी पावर शेयरिंग। अब स्टेट्स एथिक्स, देखिए एक एथनिक्स आता है जिसे हम एथिक्स बोलते हैं, यानी एथनिक्स एक ग्रुप होता है, होता है कि एक एथनिक जो होता है, यानी एथनिक क्या होता है, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, यानी पीपल बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप्स, यानी यहाँ पर कल्चर शेयर होता हो, यानी सोशल डिवीजन यहाँ से होता हो, वहाँ पर पीपल बिलोंग टू द सेम कल्चर ग्रुप, यानी बिलीव इन द कॉमन डिसेंट बिकॉज द सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर और बोथ, यानी फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर और बोथ, यानी जो सिमिलरिटी है फिजिकल एंड कल्चरल जो टाइप्स ऑफ, यानी और बोथ दोनों, तो वो क्या होता है, एक एथनिक होता है, यानी एक ही ग्रुप के लोग होते हैं, एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो डिफरेंट कम्युनिटीज में है। तो हियर स्टूडेंट्स फर्स्टली वी स्टडी हियर बेल्जियम। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, यानी यूरोप इट इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप एंड इट इज द स्मॉलर देन द हरियाणा, यानी इस हरियाणा से भी क्या है, स्मॉल है, जैसे हमारा हरियाणा स्टेट है इंडिया का, उससे भी एरिया में क्या है, स्मॉल है बेल्जियम एंड इट्स पॉपुलेशन हाफ ऑफ द हरियाणा, यानी इन हरियाणा में भी प्रेजेंट है 2 करोड़, बट हियर इज मे बी जब हाफ ऑफ दैट, तो यानी 1 करोड़ बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी होगी, 1 करोड़ होगी इसकी, यानी 2 करोड़ हरियाणा की 2 करोड़ है। तो हियर स्टूडेंट्स द डिफरेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ यानी पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन किस टाइप से डिवाइड, यू आर लुकिंग द मैप ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम का मैप देख रहे हैं आप, इट इज द एरिया ऑफ एनी ब्रसेल्स, एनी कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रसेल्स। स्टूडेंट्स बेल्जियम देखिए डच स्पीकिंग, इट इज द एरिया ऑफ द डच स्पीकिंग, यानी एरो द एरिया ऑफ द डच स्पीकिंग एंड बिलो द एरिया ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग, यानी डच स्पीकिंग फ्लेमिश नोन एज द फ्लेमिश एंड फ्रेंच स्पीकिंग वैलू। तो हियर स्टूडेंट्स डच यानी 59% यानी ओवरऑल कंट्री, इट इज द ओवरऑल कंट्री, डच 59%, फ्रेंच 40%, जर्मन 1%, जर्मन 1%, बट इन ब्रसेल्स डच इन 20% एंड फ्रेंच इन 80%। अब देखिए स्टूडेंट इट इज अ डिफरेंट, यानी होल कंट्री में जो डच है वो 59% है, बट इन ब्रसेल्स जो ब्रसेल्स कैपिटल है फ्रांस की बेल्जियम की, वहां पर डच कितने, वहां पर जो डच है वो 20% है, यानी फुल कंट्री में मेजोरिटी में ज्यादा संख्या में, बट कंट्री में ब्रसेल्स में कितने हैं 20% कैपिटल में, कैपिटल में जो अपोजिट यानी वहां पर जो माइनॉरिटी में कंट्री में माइनॉरिटी में कैपिटल में क्या है वो मेजोरिटी में, और जो मेजोरिटी ग्रुप है यानी जो माइनॉरिटी ग्रुप है फ्रेंच 40% है, ये क्या है, ये रिच एंड पावरफुल है, ये क्या है, ये रिच और पावरफुल है, और स्टूडेंट्स यानी जो कम्युनिटी है, बट देखिए सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिव रिच एंड द पावरफुल, रिच एंड पावरफुल कौन सी, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन, सो द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, यानी बट थोड़ा सा बाद, यानी वहां पर बाद में उन्हें डेवलप हुआ एजुकेशन में, तो ये क्या है, तो ये हमारा एथनिक कंपोजिशन यानी आपका किसका हो गया, यानी ये देखिए जर्मन स्पीकिंग यहाँ पर और ये आपका ब्रसेल्स है जहाँ पर आपके मेनली जो माइनॉरिटी में है वो डच है और मेजोरिटी में है फ्रेंच है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बट इन श्रीलंका, सो स्टूडेंट्स नॉट द श्रीलंका, देखिए श्रीलंका इट इज अ डिफरेंट यानी इट इज अ आइलैंड कंट्री, श्रीलंका इज द आइलैंड कंट्री एंड नियर द इंडियन इंडिया, यानी इंडिया का इट इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। स्टूडेंट यू आर लुकिंग द मैप ऑफ श्रीलंका, इट ऑल द पार्ट ऑफ द श्रीलंका एट द सिन्हाला, यानी 74% ये सब क्या है, ये पूरे ये यू आर लुकिंग एट लाइन एंड डबल लाइन में, ये लाइन कर दी है लाइन, बट ये सिन्हाला ही यहाँ भी सिन्हाला ये भी सिन्हाला, यानी टोटल एरिया ऑफ सिन्हाला, इट इज द एरिया इन डिफरेंट कलर ऑफ श्रीलंकन तमिल, श्रीलंका यानी तमिल, श्रीलंकन तमिल, एंड यू आर लुकिंग द डॉट डॉट वाइट कलर इन कलर वाइट, इट इज अ इंडियन तमिल, इट एरिया ऑफ द इंडियन तमिल, यू आर लुकिंग पिंक कलर इट इज द श्रीलंकन तमिल, एंड यू आर लुकिंग द वाइट डार्क वाइट कलर इट इज द इंडियन तमिल। स्टूडेंट्स 74% श्रीलंकन तमिल, सॉरी 74% सिन्हाला, 18% तमिल, इन 18% तमिल 13% नेटिव तमिल यानी श्रीलंकन तमिल, एंड 5% इन 18 यानी आउट ऑफ 18 5% इंडियन तमिल, और इंडियन तमिल वो थे जब इंडिया से श्रीलंका के लिए लोग ले जाए गए थे यानी काम करने के लिए वर्कर्स लोग जो स्लैब टाइप थे, और उसमें तमिल थे मानी हिंदू तमिल थे और मुस्लिम तमिल थे, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों टाइप के तमिल थे जो यानी 5% है, यानी इसमें जो तमिल थे इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों टाइप के तमिल थे, और तमिलनाडु 13% यानी नेटिव तमिल जो वहीं के तमिल थे, और 7% जो थे वो क्रिश्चियन थे, 7% श्रीलंका में क्या थे क्रिश्चियन थे, और जो 70% सिन्हाला थे यानी और वहां पर जो सिन्हाला थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, इसको बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, और कहते ना माइनॉरिटी और माइनॉरिटी, तो यहाँ पर जो तमिल्स थे श्रीलंका में वो माइनॉरिटी में थे और जो सिन्हाला थे
वो किसमें थे? वो फुल मेजोरिटी में थे. किसमें थे? मेजोरिटी में थे. यानी कहते हैं ना, पीपल आर द सेम पीपल और कम्युनिटी आर द मेजोरिटी वाइल द अदर माइनॉरिटी. यानी कुछ माइनॉरिटी में हो, कुछ माइनॉरिटी में हो गए. यानी उसी कंट्री के लोग, यानी जिस कंट्री में लोग रहे हैं वो मेजोरिटी के हो गए, यानी माइनॉरिटी के हो गए. जैसे यहाँ पर सेम पीपल, होल कंट्री इन मेजोरिटी बट कैपिटल इन माइनॉरिटी, होल कंट्री इन माइनॉरिटी बट कैपिटल इन मेजोरिटी. यानी सेम पीपल कहीं माइनॉरिटी में तो कहीं मेजोरिटी में. यही श्रीलंका में, यानी सिनाला मेजोरिटी में 74% है और वो बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट्स अ टॉप कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम. और ये तो एक आइलैंड कंट्री है श्रीलंका, इंडिया के पास में नेबरिंग कंट्री है. इंडियन ओशियन में ये है श्रीलंका, क्योंकि ऑल साइड कवर्ड विद वाटर. सो नेक्स्ट टॉपिक, मेजोरिटी टूरिज्म इन श्रीलंका. थैंक्स.